हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मद चक्र यानी कि ओइस्टर साइकिल के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मद चक्र होता क्या है। तो जितने नॉन प्राइमेट जंतु होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस, बकरी, ये सब जितने नॉन प्राइमेट जंतु है, इनकी जब वजन अधिक हो जाती है तो इनके योनि या उत्सर्जी अंग से एक चिपचिपे श्लेष्मा पदार्थ का स्राव होने लगता है, जिसे हम मद चक्र यानी कि ओइस्टर साइकिल कहते हैं। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे कि नॉन प्राइमेट जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का वजन जब अधिक हो जाता है तो इनके योनि अथवा उत्सर्जी अंगों से एक चिपचिपे श्लेष्मा का स्राव होने लगता है। जिसे मद चक्र कहा जाता है। तो ये आपका मद चक्र की परिभाषा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। याद देखिए, मद चक्र की अवस्था को टोटल 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला अवस्था है मद चक्र की शुरुआती अवस्था, दूसरा होता है मध्य चक्र की मध्य की अवस्था, और तीसरा होता है मध्य चक्र की अंतिम की अवस्था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो नॉन प्राइमेट जंतु होते हैं, इनमें मध्य चक्र की जो शुरुआती अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आखिर हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा नॉन प्राइमेट जंतु है यह किस अवस्था में। तो देखिए, पहले लिखेंगे मध्य चक्र की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मद चक्र की शुरुआती अवस्था, दूसरा होता है मद चक्र की मध्य की अवस्था, बीच की अवस्था, मध्य की अवस्था, और तीसरा होता है आपका मध चक्र की अंतिम अवस्था। यानी कि मध चक्र की टोटल 3 अवस्था है। पहला है मध चक्र की शुरुआती अवस्था, दूसरा है मध चक्र की मध्य की अवस्था, और तीसरा है मध चक्र की अंतिम अवस्था। तो देखिए, तो नॉन प्राइमेट जंतु में मध चक्र की शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे नॉन प्राइमेट जंतु हैं, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं और बेचैन रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये बार बार पूंछ उठाते हैं। तीसरा ये होता है कि ये सामान्य जंतुओं से, जो सामान्य नॉन प्राइमेट जंतु है, इनसे ये अलग दिखाई देते हैं, उनसे ये अलग बिहेव करते हैं। चौथा है कि इनका जो योनि है या उत्सर्जी अंग है, उस अंग से एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव होने लगता है, और इसका जो उत्सर्जी अंग का जो द्वार है, उस द्वार में क्या होती है, सूजन आ जाती है। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। तो पहले हम लिखेंगे मध चक्र की शुरुआती अवस्था के लक्षण।
मध चक्र की शुरुआती अवस्था के लक्षण। देखिए तो पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण होता है कि पशु का बेचैन रहना, पशु का बेचैन रहना तथा चिल्लाना। दूसरा है आपका कि सामान्य पशुओं से भिन्न दिखाई देना। देखिए हमारा जो दूसरा था ये सामान्य पशुओं से भिन्न दिखाई देना, ये जो तीसरा है पशुओं का बार बार पूंछ उठाना। इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चूंकि हम मिटाकर आगे लिखेंगे। देखिए तो इसमें हमारा चौथा जो लक्षण आता है यह है कि पशुओं के योनि अथवा उत्सर्जी अंगों से चिपचिपे श्लेष्मिक पदार्थ का निकलना। और जो पांचवा लक्षण होता है वो होता है कि पशुओं के योनि द्वार में सूजन का आ जाना। कितने हैं टोटल मध चक्र के शुरुआती अवस्था के लक्षण। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए तो हम लोग मध चक्र की शुरुआती अवस्था जान गए, अब हम लोग जानेंगे मध चक्र की मध्य की अवस्था यानी कि बीच की अवस्था। तो देखिए मध चक्र की जो मध्य की अवस्था इसमें क्या होता है, जो पशु है बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाता है। दूसरी बात यह होती है कि उनके जो योनि या उत्सर्जी अंग है उस अंग से गाढ़े श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव होने लगता है। जो पशु है वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ा टेढ़ापन दिखाई देने लगती है और उसके योनि द्वार में लाली आ जाती है। तो ये सब क्या है, मध्य चक्र की मध्य की अवस्था है। तो लिखेंगे इसमें इस अवस्था में पशु, देखिए इस अवस्था में पशु बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। दूसरा आपका पशु के भूख कम हो जाता है। तीसरी यह अवस्था पशुओं में 20 घंटे तक रहती है। चौथा आपका यह होता है कि इनके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा टेढ़ापन
दिखाई देने लगता है। और पांचवा है पशु के योनि की झिल्ली, झिल्ली में लाली आ जाती है। तो ये था मध्य चक्र की मध्य की अवस्था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका ये टोटल था मध्य चक्र की मध्य की अवस्था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।